रुक करते हैं कुछ और खबरों का। छत्तीसगढ़ के जशपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल घटना अंबिकापुर के पत्थलगांव थाना क्षेत्र की है, जहां एक पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी के पेट में चाकू घोंप दिया। बता दें, बच्चों के बाहर जाने से दंपति के बीच विवाद हुआ था और पीड़ित महिला को इधर गंभीर हालत में अंबिकापुर रेफर किया गया है उपचार के लिए। दूसरी तरफ परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पति और पत्नी के बीच घरेलू विवाद का यह मामला, जहां पति ने अपनी ही पत्नी पर हमला किया, चाकू घोंप दिया और छोटी सी बात को लेकर उनके बीच दरअसल ये विवाद हुआ। हालांकि परिजन ने, जो पत्नी है, महिला है जिसके ऊपर हमला पति ने किया है, उसके परिजन ने थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत की है। और इधर दूसरी तरफ महिला जिसका उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला अंबिकापुर का है, जशपुर में यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अंबिकापुर के पत्थलगांव थाना क्षेत्र की ये वारदात है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर घरेलू विवाद के चलते उसके पेट में चाकू घोंप दिया। यानी इरादा उसका मर्डर का था, हत्या का था। इधर बच्चों के बाहर जाने से दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। हम रुक करेंगे संवाददाता अभिषेक शुक्ला का, हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं मामले पर। अभिषेक, क्या फिलहाल पुलिस का कहना इस मामले में, और जो महिला है जिस पर हमला किया उसी के पति ने, उसकी अभी स्थिति कैसी है अस्पताल में? देखिए, पूरी घटना जो है पत्थलगांव थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर की है, और दोनों में बच्चे की विवाद को लेकर विवाद हुआ था, और दोनों जो पति जो थे आव न ताव देखा और सीधे उन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसको दर्जनों बार वार करने से उसकी स्थिति जो है चिंताजनक बनी। फिलहाल उसका अंबिकापुर अस्पताल में इलाज चल रहा है, और जो महिला के जो परिजन है उनको अभी फिलहाल उनको देखरेख किया जा रहा है, और परिजनों ने उनके पत्थलगांव थाने में अभी मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और फिलहाल वो जो आरोपी पति है वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं जी। और दूसरी तरफ परिजन ने जो शिकायत की है, तो क्या परिजन से कुछ बात हुई, परिजन का कुछ इस मामले में बयान आया है? क्योंकि परिजन जाहिर है शिकायत करने पहुंचे हैं, तो क्या कोई और भी कारण रहा है इसके पीछे? देखिए, परिजनों का कहना है कि लगातार उनके पति द्वारा उनको मारपीट किया जाता रहा है, और लगभग रोजाना उनको दारू शराब पीकर आते थे, इस वजह से रोजाना उनको मारपीट करते थे, जिससे तंग आकर पूर्व में भी तलाक के बात कही जा रही थी, लेकिन इस बीच दोनों के झगड़ा हुए, इस बीच अभी जो है से चाकू से वार किया गया था जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए अभिषेक इस खबर पर।